नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार, फैकल्टी एट बधिज्ञ, एंड वेलकमिंग यू ऑल अगेन इन योर ओन प्लेटफॉर्म ऑफ विधिज्ञ। तो फाइनली आज के इस सेशन में हम लोग एज पर योर डिमांड हम लोग आज डिस्कस करेंगे द पहला पार्ट, और ये पहला पार्ट होगा मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के संदर्भ में। मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 जो कि एक पर्टिकुलर सिलेबस पार्ट है मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के लिए, और इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये एक लोकल लॉज के रूप में पूछा जा रहा होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम के इम्पॉर्टेंस की बात करें एज फार एज कंसर्न टू द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन, तो आपको ये बात मालूम होगी ही कि यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के आउट ऑफ 150। तो आज के इस सेशन में हम लोग मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के पहले पार्ट में कुछ मोटी बातें डिस्कस करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आगे बढ़ूँ उससे पहले कुछ बातें आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के मैं उन पर्टिकुलर प्रोविजन्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोविजन्स किसी ना किसी पर्टिकुलर ईयर में आपसे प्रिलिम्स में पूछे गए हैं। जैसा कि ये पर्टिकुलर सेशन आप देख पा रहे होंगे, प्रिलिम्स स्पेसिफिक सेशन होने वाला है, और इसकी एक प्रॉपर सीरीज आपको यहाँ पर उपलब्ध होने वाली है सभी पर्टिकुलर माइनर लॉज के संदर्भ में, है ना, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर सेशंस प्रगति में हम ऑलरेडी ले रही हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में आप लॉ एज टू लैंड के संदर्भ में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं कहने ये जा रहा था कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के संदर्भ में अगर हम बात करें, चूंकि इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 250 प्रोविजंस, तो लगभग 264 धाराएं यहाँ पर हैं, 264 सेक्शंस, तीन शेड्यूल्स, लेकिन क्या हमें ये सारी चीज़ें अपने प्रिलिम्स स्पेसिफिक सेशन के अंदर डील करनी होंगी? नहीं, और ना ही अपने एग्जाम के पर्पज़ से अगर हम बात करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर लॉ को अगर आप प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो आप देखेंगे, जैसा कि आप दूसरे पर्टिकुलर लॉज के संदर्भ में भी जानते हैं, कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर ही फोकस करना है प्रिलिम्स की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर सेक्शंस की चर्चाएं करेंगे, उन्हीं पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, उनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, उन प्रश्नों का भी जिक्र हम करेंगे, है ना। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस, उन पर्टिकुलर सेक्शंस को देखेंगे जो धाराएं किसी न किसी पर्टिकुलर ईयर्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। साथ ही साथ अगर ये सिविल जज एग्जाम में पूछा गया है स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के, तो या फिर मध्य प्रदेश के एचजीएस एग्जामिनेशन में यानी हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी अगर ये पर्टिकुलर सेक्शन पूछा गया है तो भी हम उसे डिस्कस करेंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, बहुत सीधा सा, क्योंकि दोनों ही पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एमपी हाई कोर्ट ही कंडक्ट करा रही हैं, और दोनों ही पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में यह पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉमनली उनका सिलेबस का पार्ट है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन यहाँ पर एडीजेएस में पूछे जा रहे होते हैं या फ्रेम किए जाते हैं, कई बार एक दूसरे से ये बोरो करते हुए सिविल जज के एग्जाम में भी एज इट इज सेम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसलिए कॉशन के तौर पर आपको यह ध्यान रखना होगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं प्रिलिम्स एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो आपको न सिर्फ मध्य प्रदेश सिविल जज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करके रखना चाहिए, बल्कि आपको मध्य प्रदेश एचजीएस के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके भी प्रिलिम्स के पेपर सॉल्व करके रखने चाहिए। यह भी आपको काफी हद तक हेल्प करता है। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस के बारे में, तो वहां के पार्लेंस में भी आप ये बात देखेंगे, क्योंकि यह पर्टिकुलर लॉ दोनों में ही लगभग लगभग एक जैसा ही है, एक्सेप्टिंग सर्टेन अमेंडमेंट्स, है ना, कि जैसा कि 2018-2019 का अमेंडमेंट मध्य प्रदेश में हो चुका है इस पर्टिकुलर लॉ में, छत्तीसगढ़ में सच कोई अमेंडमेंट रिसेंटली नहीं हुए हैं, तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये दोनों ही पर्पज से आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो इस पर मैं ये बात और एडिशन के तौर पर जोड़ रहा हूँ कि अगर आप मध्य प्रदेश के लैंड लॉ के संदर्भ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एमपी एचजीएस में पूछे गए लैंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में पूछे गए लैंड लॉ से रिलेटेड प्रश्नों की भी आप प्रैक्टिस करें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी जब आप छत्तीसगढ़ लैंड लॉ के संदर्भ में क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे कि क्या यहां पर 2018-19 के अमेंडमेंट के बाद कुछ परिवर्तन तो नहीं हो गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए कुछ बात करते हैं इस पर्टिकुलर लॉ के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड का जो संरचना है या स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप देखें, मैंने जैसा आपको बताया कि लगभग 264 सेक्शंस इसमें कंटेन करती हैं, तीन शेड्यूल्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, और यह पर्टिकुलर कानून किन पर्टिकुलर परिक्षेत्रों में, किन एरियाज में, मध्य प्रदेश के किन एरियाज में या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में अप्लीकेबल है अथवा नहीं, है ना, इसका इसके इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इसका एक्ट नंबर क्या है, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली, है ना, डेफिनेशन की जो जितनी भी प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रावधान हैं, उनमें से क्या सारे के सारे प्रोविजंस हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं।
तो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोर्ट के इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में आप कम से कम जो ये स्ट्रक्चरल बातें मैंने आपसे की हैं कि एक्ट नंबर क्या है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, प्रेसिडेंट असेंट कब मिली है, ये सारी चीज़ें जो आप हर पर्टिकुलर लॉ को प्रिपेयर करने के दौरान प्रायरली पूर्वतः इतना तो करते ही हैं और करना भी चाहिए। कारण कारण सिर्फ इतना है कि ये पोर्शंस भी आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और होते भी हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। तो यहां पर इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे कि एक्ट नंबर 20 ऑफ 1959 है ना, इसका एक्ट नंबर या अधिनियम संख्या 20 है। और यह पर्टिकुलर लॉ, इस पर्टिकुलर लॉ को प्रेसिडेंट की एसेंट 15 सितंबर 1959 को प्राप्त होती है। और अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट के, इस पर्टिकुलर कोड के एनफोर्समेंट की बात करें, इसके प्रवर्तन की बात करें, तो जो हालांकि आपके चार्ट पर शो हो भी रही होगी, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो इसमें इसके एनफोर्समेंट डेट के तौर पर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, दिस कोड शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई या नोटिफाई। तो राजपत्र में नोटिफिकेशन के माध्यम से जैसा कि राज्य सरकार स्पेसिफाई करेगी उस तारीख पर यह पर्टिकुलर कोड एनफोर्स होगा। तो वो तारीख 2 अक्टूबर 1959 थी, है ना, जो कि सितंबर 1959 में ही आए हुए नोटिफिकेशन के बाद डिक्लेयर की जा चुकी है। और दूसरे तौर पर अगर इसके प्रियम्बल को आप देखें, इसकी उद्देशिका को देखें, किसी भी पर्टिकुलर एक्ट अथवा कोड के की जो शुरुआत है या फिर उस पर्टिकुलर एक्ट या कोड का क्रिएशन क्यों किया गया है, उसका निर्माण क्यों किया गया है, इन सारी चीज़ों की जो की है या कुंजी है वो इसके प्रियम्बल से दर्शित होती है। तो उद्देशिका में लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू, द पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ होल्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर टेन्योर्स एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड एंड द लाइबिलिटीज इंसिडेंटल देयरटू इन मध्य प्रदेश। दो बातें आपको पकड़नी है, दिस इज अ एक्ट विच इज प्रोवाइडिंग द कॉन्सोलिडेशन प्लस अमेंडमेंट। तो समेकन भी कर रहा है, संशोधन भी कर रहा है, लेकिन किन कानूनों पर कर रहा है? जैसा कि कोड की अगर हम बात करें, संहिता की बात करें, तो कोड से ही बात दिग्दर्शित हो रही है कि लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज रहे होंगे उन सारे कानूनों को समेकित करते हुए एक पर्टिकुलर कोड का क्रिएशन किया जा रहा है, और समय समय पर जैसी आवश्यकता होगी इसमें संशोधन या अमेंडमेंट भी किए जा सकेंगे। तो ये पर्टिकुलर कोड किन पर्टिकुलर चीजों को बेसिकली इनकॉर्पोरेट करता है, ये सबसे पहले आप देखिए, लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व से संबंधित जो भी कानून या नियम है, द पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, तो आप देखेंगे कि जो भी रेवेन्यू के ऑफिसर्स होंगे उनकी शक्तियां इसी पर्टिकुलर इनैक्टमेंट या अधिनियमिति से कैसे डिराइव होती है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ होल्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से जो लोग भी भूमि धारित करते हैं उनके अधिकार क्या हो सकेंगे, उनकी लाइबिलिटीज क्या हो सकेंगी, इन सारी चीजों के बारे में आप यहां पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर है? फर्दर वही बातें यहां बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ के संदर्भ में भी लिखी हुई हैं। फर्दर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 1 जो कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट की बात करता है, किसी भी पर्टिकुलर लॉ का की जो शुरुआत सबसेक्शन सेक्शन नंबर 1 से होती है, वहां पर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का भी नियम है, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल कॉमेंसमेंट और एक्सटेंड की बात होती है। इस पर्टिकुलर कोड का जो शॉर्ट टाइटल है, संक्षिप्त नाम है, वो द मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 है। सबसेक्शन 2 में इसके एक्सटेंशन, इसके एप्लीकेशन की बात की जा रही है, और लिखा गया कि इन द होल ऑफ मध्य प्रदेश इसका एप्लीकेशन होगा, मध्य प्रदेश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में इसका एप्लीकेशन होगा। लेकिन एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स, इस पर्टिकुलर कोड का जो एप्लीकेशन है या प्रवर्तन है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत रिजर्व किए गए एरियाज में नहीं होगा। अब वो एक्सेप्टिंग कौन सी चीजें हैं, वो अपवाद के रूप में लिखी गई जो चीजें हैं उनके संदर्भ में लिखा गया, फॉर द लैंड फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ लैंड, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ऑल प्रोविजंस एंसिलरी देयर टू शैल अप्लाई टू सच एरियाज एज बी फ्रॉम टाइम टू टाइम बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एक्ट नंबर 16। तो एक्ट नंबर 16 ऑफ 1927, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसे भी हो सके तो अपने बेरेट में आप अंडरलाइन करके रखिएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ में अपियर हो रहे हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर रेलेवेंट हो सकता है। फर्दर अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 2 की, सेक्शन नंबर 2 से शुरुआत होती है डेफिनेशनल प्रोविजंस की। सेक्शन नंबर 2 में जाने से पहले एक छोटी सी बात और आप थोड़ा सा और देख लें, उस पर गौर कर लें, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं जो 2019 के अमेंडमेंट के बाद चेंज की गई हैं, परिवर्तित की गई हैं। जैसे ही 2018 में एक व्यापक तरीके से अमेंडमेंट देखा जाता है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड एक्ट के तहत,
ठीक उसी प्रकार से फर्दर 2019 में भी कुछ मेजर चेंजेस आप देखते हैं, जैसे कि सेक्शन 176 को 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया जा चुका था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद फिर से उसे रिवाइव कर लिया गया। इस प्रकार के कुछ मेजर मेजर बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, और जब भी आप मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड को पढ़ रहे होंगे उस वक्त ध्यान रखें या तो हमारे पास जो बेयर एक्ट हो वो अपडेटेड हो, है ना, और कोशिश ये हो कि अगर हमारे पास अपडेटेड बेयर एक्ट नहीं है तो जो अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से संशोधित किया जा चुका है वह पर्टिकुलर पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर है? सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, राइट, कि कौन सी चीजें कब परिवर्तित हो चुकी हैं, ऑल्टर की जा चुकी हैं, अमेंड हो चुका है और हमें उसके बारे में जानकारी ना हो, यह बहुत दुखद होगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बात यह है कि आप 2019 के अमेंडमेंट और 2018 के अमेंडमेंट में जो कुछ भी मोटी मोटी बातें हों कम से कम उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनको अंडरलाइन करके रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2018 और 2019 के संशोधन के बाद से जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स को नए तौर पर इंसर्ट किया गया है, यानी नई धाराओं के रूप में उसे जोड़ा गया है, एटलीस्ट उन पर्टिकुलर सेक्शंस या सबसेक्शंस को आप विशेष रूप से अंडरलाइन करके रखें, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ करके अपने एग्जाम में जाएं, राइट, क्योंकि ये वो हॉट पोर्शंस हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। रिसेंट में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, तत्कालीन जो भी संशोधन हुए हैं, उन पर्टिकुलर संशोधनों को हमें अवश्य रूप से देख करके जाना चाहिए। ये एक सावधानी लेकर के आपको चलना चाहिए वेन एवर यू आर अपियरिंग इन द प्री एग्जाम एटलीस्ट, क्योंकि इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन इन पॉइंट्स पर भी बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। क्लियर? तो बहुत मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन को नहीं रखने वाले हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के बेसिस पर ही हम इन पर्टिकुलर चीजों को डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स को जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। क्लियर? तो फर्दर मूव करते हैं सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर ए। सबसे पहली सेक्शन जो है उसे आप यहीं से अल्फाबेटिकली रिलेट कर सकते हैं, आबादी। क्या है ये आबादी का परिक्षेत्र? तो आबादी में भी, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में भी 2018 में कुछ सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से अमेंडमेंट हुआ है, और प्रायर टू अमेंडमेंट अगर आप इसकी सेक्शन को पढ़ें तो ये लिखता है कि इट मींस द एरिया रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ विलेज इन एन नॉन अर्बन एरिया फॉर द रेसिडेंस ऑफ द इनहैबिटेंट्स। अच्छा, और अमेंडमेंट के बाद इनके द्वारा लिखा जा रहा है, आबादी मींस द एरिया रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ विलेज फॉर द रेसिडेंट ऑफ द इनहैबिटेंट्स देयर ऑफ और फॉर पर्पस एंसिलरी देयर टू एंड एनी अदर कॉग्निट वेरिएशंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन एज विलेज साइट गांव स्थान एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आबादी मीन्स वॉट? आबादी मीन्स एरिया रिजर्व फॉर रेसिडेंस ऑफ द इनहैबिटेंट्स, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों के लिए जो रिजर्व्ड एरिया है। एरिया रिजर्व फॉर पर्पज ऑफ एंसिलरी पर्पज टू रेसिडेंट ऑफ इनहैबिटेंट्स, या इस प्रकार के दूसरे जुड़े हुए जो उद्देश्य हो सकते हैं, पर्पज हो सकते हैं, उनके लिए जो एरियाज रिजर्व किए गए हैं। और इस प्रकार के एरियाज को हम या तो विलेज साइट भी के नाम से भी जान सकते हैं, गांव स्थान के नाम में जान सकते हैं, या फिर किसी दूसरे कॉग्निट वेरिएशन के रूप में भी जान सकते हैं। तो यहां पर शब्द का इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है या सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इन अ विलेज एरिया। ठीक है, तो यहां पर विलेज एरिया लिख दिया है, मींस एरिया रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ विलेज फॉर द रेसिडेंस ऑफ इनहैबिटेंट्स देयर ऑफ और फॉर पर्पस एंसिलरी देयर टू, या उससे जुड़े हुए किसी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। जो कुछ भी आबादी का एरिया रिजर्व किया गया है, कहां? एक ग्रामीण क्षेत्र में, या तो उस पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या निवासित करने वाले लोगों के निवास के पर्पज से, या किसी दूसरे अनुषांगिक या इंसिडेंटल पर्पज से, चाहे हम उसे विलेज साइट के रूप में जाने, चाहे हम उसे गांव स्थान के रूप में जाने, या किसी दूसरे पर्टिकुलर नाम से भी हम उन्हें पुकार सकते हैं। तो इस प्रकार के रिजर्व्ड एरिया क्या क्या जाने जाते हैं? आबादी एरिया के रूप में जाने जाते हैं। फर्दर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी। लेकिन क्लॉज नंबर बी में जाने से पहले आपको सेक्शन 244 का भी अवलोकन कर लेना चाहिए। सेक्शन नंबर 244 इसी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में आबादी के संदर्भ में ही कुछ बात करती है, डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट्स के बारे में, आबादी के से जुड़े जो भी परिक्षेत्र हैं उनकी उनका निस्तारण। तो सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ द ग्राम पंचायत और वेयर ग्राम पंचायत हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड द तहसीलदार शैल डिस्पोज द साइट्स इन द आबादी एरिया। इस प्रकार के आबादी परिक्षेत्रों के निस्तारण के संबंध में किसे पावर दी गई, किसे शक्तियां दी गई, कौन ऑथराइज्ड है?
तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर विलेज एरिया में जब आबादी साइट्स का को डिस्पोज किया जा रहा होता है, निस्तारण किया जा रहा होता है, तो इस कंडीशन में ग्राम पंचायत को शक्ति दी गई है अगर उस पर्टिकुलर विलेज एरिया में ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की गई है तब। और अगर उस पर्टिकुलर विलेज एरिया में ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है तो उस कंडीशन में तहसीलदार को यह शक्ति प्राप्त है। लैंड इन द अर्बन एरिया नॉट द विलेज कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द आबादी। इस बात को भी यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि जो भूमि अर्बन एरियाज में है, नगर के क्षेत्रों में है, उन पर्टिकुलर एरियाज में यह पर्टिकुलर पार्ट आबादी के पार्टिकुलर में अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, आबादी लैंड इज हेल्ड इन द भूमि स्वामी राइट्स एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी एग्रीकल्चरल लैंड। आबादी से रिलेटेड जो भी भूमियां हैं, इट विल बी हेल्ड इन द भूमि स्वामी राइट, ये भूमि स्वामी के अधिकारों को धारित करती है और इसे हम एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। एन इलीगल ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ लैंड। अगर किसी भी पर्टिकुलर रेवेन्यू ऑफिसर अथॉरिटी के द्वारा इस प्रकार का कोई अवैध आदेश पारित कर दिया जाता है रिगार्डिंग आबादी साइट्स, तो वह अपने नेचर उस भूमि के नेचर को, उसकी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जब भी आप सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 पढ़ेंगे, कोशिश करिए इसके साथ 244 को भी आप उसी समय पढ़ सकें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी कानून है वो एक साथ आपको क्लियर हो सके। ठीक है, पर फर्दर क्लॉज नंबर 2 बात करता है एग्रीकल्चरल की। एग्रीकल्चर मीन्स व्हाट? जब आप इस पर्टिकुलर क्लॉज को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको इसके अंतर्गत कुछ कुछ मोटी बातें और देखने को मिलेंगी। 4 पर्टिकुलर अलग अलग क्लॉजेस देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे कहा गया कि द रेजिंग ऑफ एनुअल और पीरियडिकल क्रॉप्स इंक्लूडिंग बीटल लीव्स, पान एंड वाटर नट्स, सिंघाड़ा एंड गार्डन प्रोड्यूस। इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज दर्शाई गई हैं। इस कैटेगरी में यह बताया गया कि कौन सी चीजें किसी भी पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल क्षेत्र में करना एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाएगा। तो पान की खेती करना, सिंघाड़े की खेती करना, क्या ये एग्रीकल्चर होगा? हाँ, ये एग्रीकल्चर होगा। कोई भी ऐसी फसल उगाना जो एग्रीकल्चर जो कि एक वार्षिकी फसल हो, या कोई समय समय पर उगने वाली फसलें हो, इस प्रकार के फसलों को उगाना, इस प्रकार की चीजों को करना भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ सकेगा। कैटेगरी नंबर 2 में दर्शाया गया हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि। तो उद्यान कृषि के अंतर्गत भी चीजें एग्रीकल्चर के अंतर्गत मानी गई हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत इन्हें भी इंक्लूड किया गया है। उद्यान कृषि के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे पौधों को उगाना है ना, इस प्रकार की गार्डनिंग करना, वो चीजें भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल की जा चुकी हैं। द प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ ऑर्किड्स, अगर कुछ व्यक्ति फल से रिलेटेड कुछ इस प्रकार के पौधों को विकसित करते हैं या पेड़ों को लगाते हैं, है ना, फल उद्यान लगाते हैं, तो ऑर्किड्स करना को लगाना भी, या फल उद्यान को पल्लवित करना भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल है। फोर्थ कैटेगरी में लिखा गया रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फॉडर ग्रेजिंग एंड थैचिंग ग्रासेस। तो चारे, चराई के छप्पर, इन सारी चीजों के संदर्भ में जो एरिया रिजर्व किए गए हैं वह भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल है। द यूज ऑफ लैंड फॉर पोल्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों बातों को अच्छे से अंडरलाइन करके रखिए। पोल्ट्री, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री इन एन एरिया सिचुएटेड मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ अर्बन एरियाज, किसी भी नगर क्षेत्र की उपांत सीमा से, उस बाउंड्री लाइन से 5 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा के बाहर अगर पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या फिर फिशरीज का कार्य किया जाता है, तो यह भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 5 कैटेगरी आपने देखी। इन 5 कैटेगरीज को अगर आप ध्यान से समझें तो मोटे तौर पर अगर आप अपने आसपास के परिक्षेत्र में इस प्रकार की खेती के संदर्भ में कुछ अनुमान लगा सकें। अगर मैं वार्षिकी फसल की बात करूँ, अगर मैं पीरियडिकल क्रॉप्स की बात करूं, समय समय पर रबी की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल बोई जाती है, है ना, गेहूं या वीट या पैडी, धान की खेती की जाती है, ये सब समय समय पर होने वाले फसलें हैं, तो क्या इन्हें हम एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, ये एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूडेड है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन कई बार आपके कैटेगरी नंबर क्लॉज नंबर 1 से आता है। क्लॉज नंबर 1 में क्या पान की खेती करना, बिटर लिप्स की खेती करना या सिंघाड़े की खेती करना एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल है? हाँ, ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत इंक्लूडेड है। और क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं? क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन कैटेगरी नंबर या क्लॉज नंबर 5 से भी बनते हैं। द यूज ऑफ लैंड फॉर पोल्ट्री, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो ये किन परिक्षेत्रों में होना चाहिए? तब इन्होंने लिख दिया है कि अर्बन एरिया की उपांत सीमा से, बाउंड्री लाइन से 5 किलोमीटर से ज्यादा या बाहर का परिक्षेत्र होना चाहिए। क्लियर है? ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ योर क्रैकिंग द एग्जाम एज टू प्रीलिम्स। और अगर आपके ये पॉइंट्स नहीं याद होंगे तो वहां पर पूछे जाने वाले इन 4 ऑप्शंस में से आप सही ऑप्शन को टिक नहीं कर सकेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है,
क्लॉज नंबर बी में हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ी है। क्लॉज नंबर बी में एग्रीकल्चर के अंतर्गत सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन से एक्ट करना एग्रीकल्चर के अंतर्गत इंक्लूडेड है, दैट्स इट, ज्यादा समय नहीं लगाना है। फर्दर फर्दर क्लॉज नंबर सी, एग्रीकल्चरल ईयर, तो ये कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होगा, कब से कॉमेंस करेगा, तो इन्होंने लिखा कि इट मीन्स द ईयर कॉमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई और सच अदर डेट एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो इसे अच्छे से अंडरलाइन करके रखिए, 1 जुलाई से एग्रीकल्चरल ईयर कॉमेंस करती है, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम होता है। तो 1 जुलाई से ही हर पर्टिकुलर ईयर, हर पर्टिकुलर वर्ष के प्रथम जुलाई, फर्स्ट जुलाई को ही एग्रीकल्चरल ईयर कॉमेंस करता है। ये कोई दूसरी डेट भी हो सकती है अगर राज्य सरकार नोटिफिकेशन माध्यम से फिक्स करे। एक और पर्टिकुलर डेफिनेशन आप देख रहे हैं टू एफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो यहां पर सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी की कौन सी धारा में परिभाषित है, यही प्रश्न आपसे आपके प्रिलिम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको सेक्शन नंबर 2F याद रहनी चाहिए। ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर एक्ट अथवा कोड के डेफिनेशनल प्रोविजन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन और एनी अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन एज टू लॉ, तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर एक्ट अथवा कोड के जो डेफिनेशनल प्रोविजन हैं या इंटरप्रिटेशन के क्लॉजेज हैं वो एज इट इज जिस रूप में परिभाषित या दर्शाए गए हैं उसी रूप में आपको याद रहने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स पॉइंट वाइज या सबसेक्शन वाइज या सब क्लॉज वाइज वहाँ पर टर्म्स को डिफाइन किया गया है, कोशिश करिए, मोस्टली कोशिश करिए कि जितने भी टर्म्स वहाँ पर डिफाइंड हैं वो आपको मालूम हो, उनकी मालूमात आपको हो, उनका इल्म आपको हो कि किन पर्टिकुलर सेक्शंस में डिफाइंड हैं और किन धाराओं में इन्हें डिफाइन किया गया है, वाइस वर्सा, है ना, किन सेक्शंस में डिफाइंड है और परिभाषा क्या है, है ना, या ये पर्टिकुलर टर्म किन सेक्शंस में डिफाइंड है, दोनों ही तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 2F1 बात करता है डेवलपमेंट प्लान की, तो आप ध्यान रखेंगे 2F1 यहां पर 2018 के अमेंडमेंट के बाद से न्यूली टर्म इंसर्ट किया गया है। तो डेवलपमेंट प्लान क्या होगा, इसके लिए जो इसकी परिभाषा या जो इसका अर्थ, इसका मीनिंग इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत दर्शाया गया है, यानी मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एक्ट नंबर 23 के तहत दर्शाया गया है, वही अर्थ लगाया जाएगा। आपको इसके अर्थ के बारे में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम याद रखना है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो, और डेवलपमेंट प्लान किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया गया है यह भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। हर प्रकार से कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। लैंडलेस पर्संस, सेक्शन नंबर 2L में लैंडलेस पर्संस के बारे में डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। कौन होता है यह भूमिहीन व्यक्ति, तो निश्चित रूप से जैसा कि टर्म है, जिस प्रकार की शब्दावली है, उसी से ही यह बात दिग्दर्शित होती है कि ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि नहीं होगी, लैंड नहीं होगी। तो लिखा जा रहा है कि इट मींस अ पर्सन हु इज अ बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, जो कि सद्भावी कृषक हो, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट हो। ये बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा, ये बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट वही है जिसे सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन या क्लॉज नंबर ई में दर्शाया गया है। 2E में लिखा गया है मींस अ पर्सन हु कल्टीवेट्स लैंड पर्सनली और हु मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू कल्टीवेट पर्सनली, जो भूमि पर लैंड पर स्वयं खेती करता है, खुद इस प्रकार का एग्रीकल्चर का कार्य करता है या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वही इस प्रकार की खेती कर रहा होगा, तो यहां पर वह व्यक्ति बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में जाना जाएगा। तो लिखा जा रहा है इट मींस अ पर्सन हु इज अ बोनाफाइड एग्रीकल्चर, तो लैंडलेस पर्सन के रूप में होने के लिए बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होना आवश्यक होगा। इट मींस अ पर्सन हु इज अ बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट प्लस एंड हु वेदर इंडिविजुअली आर ज्वाइंटली विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली होल्ड नो लैंड्स, या तो वैयक्तिक रूप से इंडिविजुअली या फिर फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करते हुए किसी प्रकार की भूमि को धारित नहीं करता है, किसी प्रकार के लैंड्स को होल्ड नहीं करता है। लैंड लेस दैन द एरिया विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ, और या तो वह व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली या अपने फैमिली मेंबर्स को भी या अदर मेंबर्स को भी संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से इंक्लूड करने के साथ भी उसके पास उतनी लिमिट की लैंड नहीं है जितना कि किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पर बताए हुए नियमों के तहत प्रेस्क्राइब किया गया हो, विहित किया गया हो, तो उस कंडीशन में भी वह व्यक्ति लैंडलेस पर्सन के रूप में जाना जाएगा, भूमिहीन व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। तो सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर L, तो L शब्द से ही आप इसका अल्फाबेटिकली ये टर्म याद रख पाएंगे। तो इस पॉइंट से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए अच्छे से याद रहना चाहिए। बोनाफाइड एग्रीकल्चर यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए इसके लिए भी आप 2E को याद रखेंगे। जो व्यक्ति स्वयं खेती करता है, अपनी भूमि में स्वयं खेती करता है या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह अपनी भूमि में स्वयं खेती कर रहा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट ग्रुप में जानेंगे। लैंडलेस पर्सन इंक्लूड्स बोनाफाइड एग्रीकल्चर दैट इज डिफाइंड ऑलरेडी अंडर सेक्शन 2E एंड हू होल्ड्स नो लैंड इधर इंडिविजुअली और ज्वाइंटली विद अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली और इफ ही होल्ड्स एनी लैंड द एरिया ऑफ सच लैंड इज लेस देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ
फैमिली के अंतर्गत कौन इंक्लूड होगा? एक्सप्लेनेशन में इस बात को डिक्लेयर किया गया है, स्पाउसेस इश्यूज एंड पेरेंट्स, तो पति हो या पत्नी हो, उनके बच्चे हो, इश्यूज हो, या फिर उनके माता पिता हो, उनके पेरेंट्स हो, ये सारे व्यक्ति एक फैमिली ग्रुप में फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन माने जाएंगे। फर्दर आप इसमें एक और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, टू पी ऑर्किड के बारे में बात करता है, ऑर्किड यानी फलोद्यान लगाना। तो ये ऑर्किड का जो टर्म है जो सेक्शन नंबर टू और क्लॉज नंबर पी में डिफाइन किया गया है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इन सच नंबर्स दैट दे प्रिक्लूड आर वेन फुल ग्रोन आर लाइकली टू प्रिक्लूड द लैंड ऑन विच दे स्टैंड और एनी मेजर पोर्शन देयर ऑफ फ्रॉम बींग यूज प्राइमरली फॉर एनी पर्पज अदर देन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो फलोद्यान या ऑर्किड से मतलब क्या है? किसी भी ऐसे लैंड में इतनी संख्या में नंबर ऑफ ट्रीज के रूप में, नंबर ऑफ ट्रीज के रूप में कई सारे संख्या में, वृक्षों की कई सारी संख्या में किसी भी पर्टिकुलर लैंड अथवा लैंड एरिया में उन्हें अधिरोपित किया गया हो, है ना, उनका पल्लवन किया गया हो, उस पर्टिकुलर लैंड में जिस पर वो स्टैंड करते हैं, खड़े हुए हैं, या उस लैंड के किसी बड़े एरिया में, मुख्यतः किसी ऐसे पर्पज के लिए जो वृक्षारोपण के लिए तो नहीं था, है ना, किसी और पर्पज के लिए था, और उसमें उनको लगाया गया है, और इस तरह उस लैंड का सही रूप में यूज कर पाना अब रिस्ट्रेन कर गया है, रुक गया है, प्रतिबंधित हो गया है, या उन पर्टिकुलर फलों के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह पॉसिबिलिटी है कि उनके भूमि का, उस लैंड का, उसके किसी बड़े एरिया का मुख्यतः उस पर्पज के लिए यूज में लाया जाना अब पॉसिबल नहीं है। तो सपोज करिए किसी भी पर्टिकुलर लैंड एरिया में अगर इतनी संख्या में वृक्ष या पेड़ लगा दिए जाते हैं कि जिस पर्पज से इस पर्टिकुलर लैंड का प्रयोग किया जाना था वो अब नहीं हो सकता, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम फलोद्यान कहेंगे, इसे हम ऑर्किड कहेंगे। मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ और सिर्फ अब फलोद्यान ही हो सकता है, उस लैंड का, उस पर्टिकुलर भूमि का उपयोग किसी और पर्पज के लिए नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये कहलाएगा ऑर्किड, फलोद्यान। एक और डेफिनेशन आप यहां पर देखते हैं इंप्रूवमेंट के बारे में। तो यहां से एज सच प्री में तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हाल फिलहाल में यहां से मेंस का प्रश्न जरूर बना है। तो आप ये, मैं यहां पर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को यहां पर इंक्लूड करने का मेरे दो ऑब्जेक्ट थे। नंबर वन ये कि आप ये समझिए कि जिन पोर्शंस को, यानी डेफिनेशनल प्रोविजंस को हम कभी कभार इस रूप में भी छोड़ देते हैं कि यहां से बहुत बहुत जनरल क्वेश्चन तो एज इट इज नहीं बने हैं, कभी नहीं बने हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि यहां से प्रश्न बन सकें, और हमारी तैयारी का स्तर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप चैलेंज कर सको, आप चुनौती दे सको कि पूछिए कहां से पूछना है, है ना, हमारी तैयारी का स्तर कुछ इस रूप में होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह बात ध्यान रखनी है कि कुछ इस प्रकार के डेफिनेशनल प्रोविजंस को भी आप, उन पर्टिकुलर डेफिनेशनल प्रोविजंस पर भी आपकी समझ परिपक्व होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो मालूम ही हो कि वह कौन से पर्टिकुलर सेक्शन या सबसेक्शन में डिफाइंड है और एक सामान्य अर्थ के रूप में क्या प्रोवाइड किया गया है। तो इम्प्रूवमेंट जैसा कि शब्द लिखा हुआ, बहुत ही आसान शब्द है, बहुत ही सही अर्थों में, सीधे साधे शब्दों में आप इसका अर्थ समझ सकते हैं, सुधार, इम्प्रूवमेंट, है ना। तो इम्प्रूवमेंट आपके मेंस एग्जामिनेशन में रिसेंटली 2019 फेज टू के ही एग्जाम में शायद पूछ लिया गया था, और बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर टर्म को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके नहीं बैठे थे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने की बात कि कम से कम उस प्रोविजन को भी ठीक से पढ़ लेते तो शायद लिख पाने की स्थिति में होते, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस पर्टिकुलर टर्म को वहां पर लिखा नहीं, इसका आंसर सही रूप में फ्रेम नहीं किया, या किए ही नहीं, दोनों ही बातें संभवतः हुई। तो यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी। निश्चित रूप से कई बार अगर हम, क्योंकि हम प्रीलिम्स की का एक नोशन देखें, प्रारंभिक परीक्षा का जो एक बेसिक ऑब्जेक्ट है एलिमिनेशन स्टेज है, यहाँ पर आप एक एक नंबर के मातहत भी बाहर हो सकते हैं, इसलिए आपको उन एक एक नंबर से ही अपने सिलेक्शन यानी मेंस में, मेंस के स्टेज में पहुँचने के उस दायरे को आप भरपाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि किसी इसे ऐसे भी टर्म्स को, इन शब्दावलियों को भी आप जरा ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, ताकि इनका एक सही अर्थ भी हमारे दिमाग पर बैठ सके। तो इम्प्रूवमेंट शब्द यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो इम्प्रूवमेंट शब्द से ही ये बात दिग्दर्शित हो रही है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इम्प्रूवमेंट मीन्स वॉट? इम्प्रूवमेंट, सुधार। इट मीन्स विथ रेफरेंस टू अ होल्डिंग एनी वर्क विच एड्स मटीरियली टू द वैल्यू ऑफ द होल्डिंग विच इज सूटेबल देयर टू। अब सीधे तौर पर अगर इसकी पूरी डेफिनेशन आप देखेंगे तो इसमें आपको पांच अलग अलग क्लॉजेस और लास्ट में इसके कुछ वो दो बातें, दो क्लॉजेस शामिल मिलेंगे जहां पर कौन सी बातें इंप्रूवमेंट के रूप में नहीं जानी जाएंगी, जिन्हें सुधार के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप एक बार एक प्लेन रीडिंग लगाइए, और एक प्लेन रीडिंग के बाद इसमें उन बातों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है, जिसमें आप ये समझ सकें कि कौन कौन से एक्ट को कमिट करना, कौन कौन से वर्क को परफॉर्म करना इम्प्रूवमेंट माना गया है, और कौन कौन से वर्क को परफॉर्म करना इम्प्रूवमेंट नहीं माना गया है। साधारण तौर पर देखें तो किसी अब इम्प्रूवमेंट की बात हो रही तो डेफिनेटली किसी होल्डिंग या लैंड के संदर्भ में बात हो रही होगी, और होल्डिंग या लैंड के संदर्भ में जो कुछ भी किसी भी कल्टीवेटर के द्वारा, किसी भी ऐसे कृषक के द्वारा जो उसमें खेती का कार्य करता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा, कुएं का निर्माण करवाता है, जलसरणी बनवाता है, एम्बैंकमेंट्स करता है, वहां पर अपने कल्टीवेशन के लिए एक छोटे से घर का निर्माण कराता है, ये सारी चीजें किस रूप में जानी जाएंगी? इंप्रूवमेंट के रूप में जानी जाएंगी। अब इसमें कुछ छोटे छोटे कार्य कराना, छोटे छोटे कार्यों से रिलेटेड कोई भी ऐसे संकर्म को परफॉर्म करना, वर्क परफॉर्म करना, क्या ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी? तो आप क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर, मैं आपको मोटे तौर पर सिर्फ ये बता रहा हूँ इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, मैं सारी प्रोविजन को पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर टेम्परेरी रूप से इस प्रकार के वाटर चैनल्स क्रिएट करना, टेम्परेरी रूप से वेल क्रिएशन करना, ये बातें इंप्रूवमेंट के अंतर्गत नहीं शामिल की गई हैं। एनी वर्क विद सब्सटेंशली डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ एनी लैंड, इस प्रकार का कोई कार्य करना कि उस पर्टिकुलर भूमि का जो वैल्यू है, मूल्य है, वो कम हो जाए, डिमिनिश कर जाए, तो ऐसी चीजें भी इंप्रूवमेंट के तौर पर शामिल नहीं है। सिर्फ दो बातें, क्लॉज नंबर ए एंड क्लॉज नंबर बी, और रेस्ट ऊपर के चार पांच क्लॉजेस जो आप देख रहे हैं, उन पांच क्लॉजेस में आपको ये दिग्दर्शित हो रहा है कि अगर इन्हीं पर्टिकुलर एक्ट्स को कमिट करने के संदर्भ में रिन्यूअल का कार्य किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है, ऑल्टरेशन का कार्य किया जाता है, तो वह भी इंप्रूवमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। M1 यानी लैंड रेवेन्यू, यह पर्टिकुलर प्रोविजन जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, भू राजस्व, इसे हम सुनते तो बहुत हमेशा से चले आ रहे हैं, 2018 के अमेंडमेंट के पहले से भी, लेकिन लैंड रेवेन्यू यहां पर डिफाइंड नहीं था, इस पर्टिकुलर टर्म को न्यूली इंसर्ट किया गया है आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। तो लैंड रेवेन्यू क्या हो सकता है? ऑल मनीज पेबल टू द राज्य सरकार, ध्यान रखना, लैंड रेवेन्यू पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर होल्डिंग लैंड एंड इंक्लूड्स, किस बात के लिए? कि कोई व्यक्ति भूधारी है, कोई व्यक्ति इस प्रकार के लैंड को धारित करता है, वह व्यक्ति उस लैंड के संदर्भ में, उसके यूटिलाइजेशन के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कुछ मनी, कुछ प्रीमियम, कुछ रेंट, किसी भी फॉर्मेट में या लीज रेंट के रूप में, किसी भी रूप में वह पे करता है, तो यह लैंड रेवेन्यू के रूप में जाना जाएगा। होल्डिंग लैंड एंड इंक्लूड्स प्रीमियम, रेंट, लीज मनी, क्विट रेंट, एनी अदर कॉग्नेट वेरिएशन ऑफ दीज एक्सप्रेशन, इसी प्रकार के दूसरे अभिव्यक्ति रूप में भी अगर इसे जाना जाता है, तो वह भी इसके अंतर्गत अंतर्वलित है, इंक्लूडेड है। रेवेन्यू ईयर क्या होता है? 2V में इसे डिफाइन किया गया है। रेवेन्यू ईयर मीन्स द ईयर कॉमेंसिंग ऑन सच डेट एज राज्य सरकार इन द केस ऑफ एन स्पेशल लोकल एरिया बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो राजस्व वर्ष क्या होगा ये राज्य सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से बता सकती है। तो राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया पहले ही, और लिखा, अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन डेटेड 30 मई 1960, द ईयर कॉमेंसिंग ऑन 1 अक्टूबर विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू ईयर। तीन पर्टिकुलर टर्म आपको ध्यान रखने होंगे। यह पर्टिकुलर कोड एनफोर्स कब होता है? तो आपको कहना है 2 अक्टूबर 1959। एग्रीकल्चरल ईयर की शुरुआत कब होती है? आपको कहना है 1 जुलाई ऑफ एनी ऑफ द ईयर, किसी भी वर्ष की 1 जुलाई को। और जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है रेवेन्यू ईयर के बारे में, राजस्व वर्ष के बारे में, तो आपको उल्लेख करना है 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर में कंफ्यूज मत होना, 1 अक्टूबर की जो डेट है यह रेवेन्यू ईयर, राजस्व वर्ष को डिनोट करती है। क्लियर है? और ये 2V में डिफाइंड है। 2V1 बात करता है सेक्टर की, तो यह पर्टिकुलर टर्म भी 2018 के अमेंडमेंट से ही जोड़ी गई है। सेक्टर का शब्द जब भी आप देखेंगे तो इसमें एक पॉइंट आपको पकड़कर रखना है, वह है अर्बन एरिया, मींस एनी ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन एनी अर्बन एरिया फॉर्म्ड इनटू और रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेक्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। इस संहिता के तहत जो भी पर्टिकुलर ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड किसी भी अर्बन एरियाज में, नगर के क्षेत्रों में निर्मित की गई हैं, तो ध्यान रखना सेक्टर सिर्फ और सिर्फ अभी नगर क्षेत्र में ही हो सकती हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ मोटी मोटी बातें एज टू द डेफिनेशनल प्रोविजन हमने पढ़ी, हमने समझी। अब आगे के जो प्रोविजन है फ्रॉम सेक्शन 4 ऑनवर्ड्स टिल सेक्शन 37 जो आप लिस्ट में देख पा रहे होंगे, ये वे सेक्शंस हैं जिनमें प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन किसी न किसी रूप में डेफिनेटली पूछी गई हैं। तो इन पर्टिकुलर सेक्शंस में कौन सा वो पोर्शन था जो आपसे प्री में पूछे गए हैं, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, मध्य प्रदेश सिविलियंस के प्रीवियस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के साथ साथ इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को भी हम लोग डिक्टेशन में समझेंगे, है ना, थोड़ा सा विस्तार से समझ लेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। तो आज के इस पार्ट नंबर 1 में हम लोग डेफिनेशनल प्रोविजन को कवर अप करते हैं। अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर नंबर पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन 4 से आगे बढ़ते हैं और सिर्फ उन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है या क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम हुए हैं, है ना, क्योंकि आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है।
हमारे पास थोड़ा सा कम समय है ना। अब प्रीलिम्स की डेट भी बहुत जल्द ही मेरा ख्याल है कि आपके समक्ष होगी, है ना, मार्च के मंथ में ही, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और इस कम समय में हमें जितना जल्दी हो सके उन सारे प्रोविजंस को रिवाइज करना है, रिपीट करना है, और कंसंट्रेशन के साथ करना है। साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, दैट शुड बी डन इन प्रायर बेसिस। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशनल प्रोविजन आपको ठीक तरीके से क्लियर हुए होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने पार्ट नंबर टू में इन सारे डेफिनेशनल प्रोविजन को क्विकली रिवाइज कराते हुए मैं सेक्शन फोर से कंटिन्यू करूं, दैट टू बी इन विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो उस 5 मिनट में सारे प्रोविजन को रिवाइज करते हुए हम लोग सीधे तौर पर सेक्शन फोर से आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर टू में। सो टिल देन वेट एंड वॉच एंड एंजॉय योर प्रिपरेशन टाइम। अपने इस तैयारी के समय का आनंद उठाइए, यही वो समय है जो कल को आपको एक उज्जवल और एक चमकता हुआ भविष्य देने वाला है। तो उस समय को याद करिए, उस समय को याद करते हुए तैयारी का आनंद लीजिए। तब तक थैंक यू टू ऑल।